मुझे लगा कि मैं एक बेमतलब का मसखरा हूँ किशोर कुमार, इंटरनेट के मायाजाल में घूमते फिरते हुए। आज एक शख्सियत से मुलाकात हुई जिसके व्यक्तित्व ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। उनके बारे में क्या कहें, उनकी आवाज़ लाजवाब थी, उनके अभिनय की दीवानी कई पीढ़ियाँ रहीं, उनके एक संगीत ने मेरे जीवन का नज़रिया ही बदल दिया। आज 21वीं सदी के समय में उनकी मधुर संगीत कानों को जैसे एक अलग ही सुकून देती है। भारतीय फिल्म जगत में कई ऐसे महान कलाकार हुए हैं जिनके बिना ये फिल्मी दुनिया शायद उतनी रंगीन नहीं होती। ऐसे ही कलाकारों में शुमार किए जाते हैं हरफन मौला कलाकार किशोर कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। आज यानी 4 अगस्त को एक ऐसे ही व्यक्ति का जन्म हुआ था जो खुद को मस्खरा समझता था, लेकिन पूरी फिल्मी दुनिया उनके गीतों की दीवानी थी। जहाँ हम आप बात कर रहे हैं किशोर कुमार की। किशोर कुमार का पुश्तैनी मकान खंडवा में आज भी मौजूद है। किशोर कुमार के पिता खंडवा के एक नामी वकील थे। उनके बेटों अशोक कुमार, अनूप कुमार के बाद किशोर कुमार सबसे छोटे थे। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 में खांडवा में हुआ था। खांडवा से ही किशोर कुमार की स्कूली शिक्षा हुई और बाद में आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने इंदौर भेज दिया। किशोर कुमार के स्कूल के दोस्त बताते हैं कि वे शुरू से ही बड़े चुलबुले थे और स्कूल में डेस्क बजाना, उस पर खड़े होकर नाचना उनका शौक था। पढ़ाई में कमज़ोर रहे किशोर कुमार अक्सर अपने टीचर्स की नकल उतारते थे। अब किशोर कुमार के दोस्त भी नहीं रहे, लेकिन युवा पीढ़ी में भी उनके प्रशंसकों की कमी नहीं है। किशोर कुमार की विशेषता यह थी कि उन्हें देव आनंद से लेकर राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन के लिए अपनी आवाज़ दी और इन सभी अभिनेताओं पर उनकी आवाज़ ऐसी रची बसी मानो किशोर खुद उनके अंदर मौजूद हों। किशोर कुमार ने 81 फिल्मों में अभिनय किया और 18 फिल्मों का निर्देशन भी किया। फिल्म पड़ोसन में उन्होंने जिस मस्त मौला आदमी के किरदार को निभाया, वही किरदार वे जिंदगी भर अपनी असली जिंदगी में निभाते रहे। किशोर कुमार ने भारतीय सिनेमा उस स्वर्ण काल में संघर्ष शुरू किया था जब उनके भाई अशोक कुमार एक सफल सितारे के रूप में स्थापित हो चुके थे। दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, बलराज हासिनी, गुरुदत्त और रहमान जैसे कलाकारों के साथ ही पार्श्व गायन में मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, तलत, महदूद और मन्ना डे जैसे दिग्गज गायकों का बोलबाला था। किशोर कुमार ने 4 शादियां की थीं। उनकी पहली पत्नी रूमा गुहा ठाकुरा थीं। शादी के 8 साल बाद उन्होंने अपने रूमा से तलाक ले लिया। उसके बाद उन्होंने 1960 में मधुबाला से शादी की। गंभीर रूप से बीमार पड़ने के बाद 35 साल की उम्र में मधुबाला का देहांत हो गया। मधुबाला की मौत के बाद किशोर कुमार की ज़िंदगी में योगिता बाली आई। महज 2 साल बाद योगिता से भी उनका रिश्ता टूट गया। उनके बाद किशोर कुमार ने 1980 में खुद से 20 साल छोटी लीना से शादी की। किशोर कुमार का जीवन विवादों से घिरा रहा। 1980 के दशक के मध्य में उनके अमिताभ बच्चन के साथ कटु संबंध स्थापित हो गए, क्योंकि अमिताभ ने किशोर कुमार की प्रोडक्शन कंपनी के तहत बनने वाली फिल्म ममता में छवा की अतिथि की भूमिका निभाने से इनकार कर दिया था। उनकी तीसरी पत्नी योगिता बाली से मिथुन चक्रवर्ती से किशोर इतने आहत हुए कि मिथुन चक्रवर्ती के लिए गीत गाने बंद कर दिए। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने मुंबई में कांग्रेस रैली के लिए गायन करने के लिए किशोर कुमार से संपर्क किया। उन्होंने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। नतीजतन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किशोर कुमार के गानों को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित करने से प्रतिबंध लगा दिया। किशोर कुमार ने 4 शादी की। पहली पत्नी गायक और अभिनेत्री रूमा गुहा ठाकुरता उर्फ रूमा घोष थी। यह विवाह संबंध 1950 से 1958 तक चला। किशोरदा ने दूसरा विवाह अभिनेत्री मधुबाला से किया था, जिन्होंने उनके घरेलू फिल्म चलती का नाम गाड़ी 1958 और झूमो 1961 सहित कई फिल्मों में उनके साथ काम किया था। जब किशोर कुमार ने उनके सामने प्रस्ताव रखा, मधुबाला बीमार थी और इलाज के लिए लंदन जाने की योजना बना रही थी। उन्हें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिसीज, दिल में छेद था और किशोर कुमार अभी भी रूमा से विवाह बंधन में थे। तलाक के बाद इस जोड़े ने 1960 में सिविल विवाह किया और किशोर कुमार इस्लाम में परिवर्तित हो गए। कथित तौर पर अपना नाम बदलकर करीम अब्दुल कर दिया। उनके माता पिता ने विवाह समारोह में भाग लेने से मना कर दिया। माता पिता को खुश करने के लिए जोड़े ने हिंदू विवाह पद्धति से विवाह किया, लेकिन मधुबाला को कभी भी उन्होंने अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। विवाह के एक महीने के भीतर मधुबाला अपने पति किशोर कुमार के घर में तनाव की वजह से बांद्रा में अपने बंगले में वापस चली गईं, किंतु वे विवाह में बने रहे। लेकिन मधुबाला के जीवन का बाकी हिस्सा तनाव से भरा हुआ रहा। यह संबंध 23 फरवरी 1959 को मधुबाला की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ था। किशोरदा का तीसरा विवाह योगिता बाली से हुआ, जो 1976 से 4 अगस्त 1978 तक चला।
किशोर कुमार का चौथा और अंतिम विवाह 1980 में लीना चंदवाकर से हुआ था। किशोर कुमार के दो बेटे थे, अमित कुमार रूमा के साथ और सुमित कुमार लीना चंदवाकर के साथ थे। कोई हमदम ना रहा और रात अकेली है, बुझ गए दिए जैसे अमर गीतों से पूरी दुनिया को रिझाने वाले किशोरदा बेहतरीन गायक थे, जिसके गीतों का आज भी कोई सहानी नहीं है। 13 अक्टूबर 1987 को उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके गीत आज भी कानों में गूंज रहे हैं और दुनिया थिरक रही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही वीडियो को शेयर करें और आगे फॉरवर्ड करें, और ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए महाखबर।